नमस्कार दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के वार पे मैं हर रोज़ बातें कर रहा हूँ। एक ऐसा कंट्री जो पूरा बर्बाद हो चुका है, शहर खंडहर हो चुके हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट खाली हो चुके हैं। अब यूक्रेन के पास कुछ बचा नहीं है, 8800 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अब कोई बचाने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, लेकिन चाइना जो है, अभी एक न्यूज़ अपडेट आ रहा है कि दोनों कंट्रीज विजिट कर रहे हैं और दोनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है कि किसी तरह से झगड़ा को शांत किया जाए और चाइना इसमें इनिशिएटिव ले रहा है। तो इसमें एक न्यूज़ आई है, रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि शी जिनपिंग वहाँ पहुँचे हैं, रशिया भी पहुँचे हैं, यूक्रेन भी पहुँचे हैं। क्या बात हुआ, क्या समझाने की कोशिश हो रही है, ये समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि हम ये बताना चाहते हैं कि चाइना रशिया को सपोर्ट तो कर ही रहा है, और ऐसा पुतिन का जो इकोनॉमी है, रशिया का जो इकोनॉमी है, वो भी एक तरह से डगमगा गया है। करीब करीब 1.5 साल से ऊपर से युद्ध हो रहा है, तो चाइना इसमें से हो सकता है कि पुतिन बोले होंगे कि आइए आप कुछ मध्यस्थता वगैरह कराने की कोशिश करिए। इसी में से ये जियोपॉलिटिकल ड्रामा होता है, और ये ड्रामा इस तरह से चलता रहता है ताकि यूरोपियन कंट्री पे भी एक तरह से बोझ पड़ सके, एक तरह से दबाव बन सके कि चाइना रशिया के साथ खड़ा है। इंडिया तो रशिया के साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है ये कोई नहीं जानता। ये इंडिया फ्रंट पेज पे आके खेलते नहीं है, लेकिन चाइना फ्रंट में आके खेलता है। वो चाइना को, रशिया को सपोर्ट करता है फ्रंट में आके। अब यहाँ पे दोनों पे मध्यस्थता कराने की बात अगर आ रही है, कोई भी हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, अगर कोई मध्यस्थता करा रही है तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। इससे सिविलियन को फ़ायदा होगा, वहाँ के कंट्री अगर बचेंगे तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो ये क्या बोला गया है कि चाइना इज अटेम्प्ट टू ब्रोकर ए पीस डील बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। तो एक ब्रोकर का तरह काम कर रहा है चाइना, और रशिया और यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। सेट स्टेप अप ए गियर दिस वीक विद बीजिंग स्पेशल एनवॉय सेट टू विजिट बोथ कंट्रीज ऑन ए पीस मिशन। तो दोनों कंट्री ये लोग पहुँचेंगे। बीजिंग स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव यूरेशियन अफेयर्स ली यू इज विजिटिंग यूरोप फॉर टॉक्स। तो यूरोप पहुँचेंगे टॉक के लिए। ऑन ए पॉलिटिकल सेटलमेंट ऑफ द यूक्रेन क्राइसिस, यूक्रेन क्राइसिस को लेके पहुँचेंगे। चाइनाज फॉरेन मिनिस्टर सेट फ्राइडे विथ एनवॉय सेट टू विजिट यूक्रेन रशिया एज वेल एज पोलैंड। तो यूक्रेन भी पहुँचेंगे, रशिया भी पहुँचेंगे, और यूक्रेन से सटा हुआ देश है पोलैंड, वहाँ भी पहुँचेंगे। फ्रांस एंड जर्मनी फॉर टॉक्स। तो फ्रांस भी बगल में पहुँच जाएंगे, वो यूक्रेन और जर्मनी भी पहुँचेंगे, ये सारे सटे हुए कंट्री हैं। ऑन ए पॉलिटिकल सेटलमेंट फॉर द यूक्रेन क्राइसिस, यूक्रेन क्राइसिस के लिए बात करेंगे सारे कंट्रीज से। देर इज ए स्पेक्टिकिज्म ओवर बीजिंग्स एबिलिटी टू मैनेज एंड रिजॉल्व ए कॉन्फ्लिक्ट एज कॉम्प्लेक्स बिटर एंड डीपली इंट्रेंस्ड एज द वन बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। इट्स न्यूट्रलिटी हैज ऑल्सो बीन क्वेश्चन बिकॉज ऑफ इट्स क्लोजनेस टू मॉस्को। तो यहाँ पे बात करने, गौर करने वाली बात यह है कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि चाइना जो ज़्यादा सपोर्ट तो रशिया के साथ है, मॉस्को के साथ उनका ज़्यादा दोस्ती है, फिर ये यूक्रेन क्यों जा रहे हैं, जर्मनी क्यों जा रहे हैं, फ्रांस क्यों जा रहे हैं, पोलैंड क्यों जा रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये करने चाहते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। मीनवाइल यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इज विजिटिंग द यूके ऑन मंडे। तो ये यूके पहुँच गए हैं ज़ेलेंस्की। एज कीव ट्राइज टू ड्रम्प अप मोर मिलिट्री सपोर्ट एहेड ऑफ हाईली एंटिसिपेटेड काउंटर ऑफेंसिव। तो वो और सपोर्ट चाह रहे हैं, फिलहाल उन्होंने मिसाइल दिया था यूके ने इसको, अब ये चाह रहे हैं कि और हमें सोल्जर्स मिल जाए और कुछ हथियार मिल जाए। यूक्रेन क्लैंड मोर गेंस इन द बीजिंग्स एंड लार्जली रून टाउन ऑफ द बकमुक्त इन डोनस्टेप ईस्टर्न यूक्रेन दिस वीकेंड। तो बाकमुक में इनका लड़ाई हो रहा था, ये बता रहे हैं कि वहाँ हम लोगों ने खाली करवा दिया है, जो रशियन ने वहाँ पे, रशियन मिलिट्री ने जो कब्जा किया था।
Fighting has been raging there for months between Ukrainian forces and mainly mercenary fighters belonging to the Wagner group. Wagner group के बीच में ही लोगों का लड़ाई हो रहा था और ये खाली करवा दिए हैं, ये न्यूज़ आ रही है। तो ये देखने वाली बात होगी कि अब चाइना क्या बोलते हैं, ये सारे कंट्री में विजिट करने वाले हैं और क्या ये झगड़ा शांत होता है, ये वार शांत होता है, ये देखने वाली बात होगी। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।